हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से हम आपके लिए बीसी पार्ट सेकंड यूनिट सेकंड का लेक्चर नंबर 8 लेकर आए हैं। जो यूनिट हमारी चल रही थी अल्कोहल्स की, उसमें हमने देखा था क्या क्या पढ़ चुके हैं हम अल्कोहल्स के बारे में। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स थे, उनके बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। उनका IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे होता है, उनका IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है, उनका IUPAC नोमेनक्लेचर देख चुके हैं हम। उनके क्या कहते हैं फॉर्मेशन देख सकते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख चुके हैं कि किस किस तरीके से हम अल्कोहलों की फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा हम उनके क्या देख चुके हैं, रिएक्शंस देख चुके हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख चुके हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हम देख चुके हैं। अब हम जो लेकर टॉपिक आए हैं वो है अगला ऑक्सीकरण। अल्कोहल का ऑक्सीकरण, अल्कोहलों का ऑक्सीकरण किस प्रकार से होता है और ऑक्सीकरण होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो अल्कोहलों का जो ऑक्सीकरण है, हम जानते हैं, ये तो आप सभी जानते होंगे, जो अल्कोहल हैं, जैसे ये ले लें हम ROH अल्कोहल है, इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या बनेगा, RCHO बनेगा, ठीक है। यहाँ से ले लें ROH है, कोई सा भी अल्कोहल हो सकता है, ठीक है, इसका हम क्या करा रहे हैं ऑक्सीकरण, तो यहाँ तो क्या बनेगा एल्डिहाइड बनेगा। अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या बनता है एल्डिहाइड बनेगा, या तो फिर कीटोन बनेगा, ऑक्सीकरण होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, या तो फिर कीटोन बनेगा, या फिर केवल कीटोन बना है तो रिएक्शन यहीं रुक जाएगी कीटोन पे, इसके आगे इसका ऑक्सीकरण होगा नहीं। लेकिन अगर एल्डिहाइड बना है तो फिर आगे ऑक्सीकरण पॉसिबल है, क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो यानी कि अल्कोहलों का ऑक्सीकरण करते हैं तो या तो हमको एल्डिहाइड प्राप्त होंगे या कीटोन प्राप्त होंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाए, या फिर एल्डिहाइड प्राप्त उसको हम कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज कर लें, डायरेक्ट रिएक्शंस कर दें, सीधे एल्डिहाइड से सॉरी सीधे अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लें। तो ये देखते हैं कि ये रिएक्शंस होती कैसी हैं। ये दो तरीके की होती हैं रिएक्शंस, ऑक्सीकरण की जो रिएक्शंस होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक तो हमारे रिएजेंट पर बेस्ड होती हैं, जो हम अभिकर्मक लेने वाले हैं जिसके साथ हम इनका रिएक्शन कराएंगे अल्कोहलों का, तो उन रिएजेंट पर डिपेंड करती है कि हम किस तरीके का रिएजेंट ले रहे हैं, वो क्या बनाएगा, ठीक है। एक होती हैं जो सब्सट्रेट पर बेस्ड होती हैं, यानी कि हमारे अल्कोहल भी तो हमने देखे थे कई तरह के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, एलाइलिक फिनॉल, एलाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल, कई तरह के अल्कोहल होते हैं, तो इन पर डिपेंड करती है कि 1 डिग्री अल्कोहल क्या प्रोडक्ट देगा ऑक्सीकरण पर, 2 डिग्री अल्कोहल क्या प्रोडक्ट देगा, 3 डिग्री अल्कोहल क्या प्रोडक्ट देगा। तो वही हम देखते हैं, मान लो हमारे पास अल्कोहल जो है, सबसे पहले हम हमारा अल्कोहल के बेस पर देखते हैं, जो हमारा क्या कहते हैं जो हमारा अभिकर्मक है अल्कोहल उसके बेस पर देखते हैं, फिर हम देखेंगे उसकी रिएक्शंस हम किसके साथ करा रहे हैं, कौन कौन से रिएजेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसके साथ जिनसे उसका ऑक्सीकरण हो। रिएजेंट भी दो तरीके के होंगे, कुछ ऐसे रिएजेंट होंगे जिनसे हम रिएक्शन कराएं डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाए, या कुछ रिएक्शन ऐसे भी होंगे जो केवल किस कहाँ पर रोक देंगे एल्डिहाइड पर रोक देंगे, कुछ रिएक्शन कीटोन्स पर रोक देंगे। वो देखते हैं क्या क्या कंडीशन होंगी, कौन कौन से रिएजेंट हैं जिनसे हम ऑक्सीकरण कराएं तो हमको क्या प्राप्त होता है। तो देखते हैं, मान लो हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, इसका ऑक्सीकरण कराया मैंने कोई रिएजेंट लेके, क्या बनाएगा, ये बनाएगा RCHO। मैं इसका आगे ऑक्सीकरण करा सकती हूँ तो क्या बनेगा RCOOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन सकता है 1 डिग्री अल्कोहल से, ठीक है, ये क्या है 1 डिग्री अल्कोहल है। मान लो अगर हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है, दो R ग्रुप लगे हुए हैं, तो मैं इसका ऑक्सीकरण कराऊँ तो क्या बनेगा एल्डिहाइड, नहीं, अगर हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड कभी नहीं बनेगा, केवल क्या बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल हमेशा क्या बनाते हैं RC OR, यानी कि क्या बनेगा कीटोन बनेगा, ये एल्डिहाइड बना और ये क्या बना एसिड, जबकि 2 डिग्री अल्कोहल ये कैसा है 2 डिग्री, जब 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो केवल क्या बनता है कीटोन बनता है, और कीटोन को हम आगे एसिड में ऑक्सीकृत नहीं कर सकते, हालांकि कीटोन का ऑक्सीकरण होता है लेकिन वो
एसिड में नहीं होता, वो अलग तरीके का होता है, वो अलग रिएक्शंस होती हैं, वो शायद आपके सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, एक होता है हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल, 3 R ग्रुप जुड़े हुए हों, इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, नो रिएक्शन। यानी कि जो 3 डिग्री अल्कोहल्स होते हैं, अगर नॉर्मल कंडीशन में हम लेकर चल रहे हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल्स का ऑक्सीकरण नहीं होता है नॉर्मल कंडीशंस में। अगर नॉर्मल कंडीशंस में लेकर चल रहे हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण कभी नहीं होता है। ठीक है, हाँ कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं वहाँ पर ऑक्सीकरण में क्या होता है, रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, या फिर क्या हो जाएगा, ये अल्कोहल टूट भी सकता है अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स में, तो इस तरीके की रिएक्शन होती है, लेकिन वो नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होती, उनके लिए कंडीशंस अलग होती हैं। ठीक है, तो जो 3 डिग्री अल्कोहल हैं वो आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होते। ठीक है, हम ऐसे भी देख सकते हैं इनको, ये जो हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, ये अल्फा कार्बन है ना, अल्फा अल्फा, तो अगर हम देखें इसका जो अल्फा कार्बन है इस पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है ना, अल्फा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, तो क्या हुआ है, इसका पहले एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण हुआ कुछ ऐसे। अब भी अगर हम देखें ये क्या है, अल्फा कार्बन, 1 हाइड्रोजन और बचा हुआ है, यानी कि 1 हाइड्रोजन बचा हुआ है तो इसका आगे ऑक्सीकरण हो सकता है एसिड में। अब हम यहाँ देखें ये क्या होता है, ये ऐसे होता है, अब यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं बचा हुआ है तो आगे ऑक्सीकरण नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, केवल 1, तो 1 बार ऑक्सीकरण हुआ। अब यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है क्या, नहीं, तो फिर आगे ऑक्सीकरण नहीं होगा। यहाँ देखें, यहाँ तो कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, सिर्फ कार्बन कार्बन जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर कोई रिएक्शंस नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि वे अल्कोहल जिनमें क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं उनका ऑक्सीकरण होता है, और जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होते उनका ऑक्सीकरण नहीं होता। जैसा कि मैं यहाँ देख रहा है 3 डिग्री अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है तो उसका ऑक्सीकरण नहीं होता। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि वो कौन कौन से रिएजेंट हैं जिनका हम यूज़ करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमारा ऑक्सीकृत प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, देखते हैं, इसको मिटा देती हूँ मैं। ऐसे ढेरों रिएजेंट्स हैं, ढेरों मतलब तमाम दुनिया के रिएजेंट्स हैं जिनसे हम अल्कोहल का ऑक्सीकरण करा सकते हैं। पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे आप, लेकिन आपके सिलेबस में उतने रिएक्शंस दे नहीं रखे हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट मेन क्या कहते हैं रिएजेंट्स लिए गए हैं, उनको हम लेकर देखते हैं उनको लेकर के कुछ रिएजेंट्स क्या हैं। तो पहले हम यहाँ पर रिएजेंट देखें, हम कौन कौन से रिएजेंट लेंगे, फिर मैकेनिज्म देखेंगे कैसे होता है उनसे। ठीक है, कौन कौन से रिएजेंट लें हम और उनसे किस तरीके के अल्कोहल ऑक्सीडाइज होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ 2 तरीके के देखे, 3 डिग्री अल्कोहल का तो नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीकरण होता ही नहीं है, लेकिन जो 1 डिग्री होते हैं या तो वो एल्डिहाइड में चेंज होंगे या कुछ रिएजेंट ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली उनको किस में चेंज कर देंगे, अल्कोहल में। तो यहाँ पर हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक तो 1 डिग्री अल्कोहल को किस में चेंज करें, एल्डिहाइड में, वो रिएजेंट देखेंगे जो 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करें, वो रिएजेंट भी देखेंगे जो 1 डिग्री अल्कोहल को किस में चेंज करें, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करें, और उन रिएजेंट भी देखेंगे जो 2 डिग्री अल्कोहल को किस में चेंज करेंगे, एल्डिहाइड। रिएजेंट चाहे कोई सा भी हो, अगर 2 डिग्री अल्कोहल है मौजूद तो वो एल्डिहाइड में ही ऑक्सीकृत होगा, अभी हम बता चुके हैं, क्योंकि वहां पर अल्फा हाइड्रोजन खत्म हो जाते हैं, जब अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं तो उसका ऑक्सीकरण आगे होगा ही नहीं। तो कौन कौन से रिएजेंट लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे कोलिन्स, एक रिएजेंट होता है जिसका नाम है कोलिन्स। कोलिन्स क्या होता है अभी देखेंगे, जब हम रिएक्शन करेंगे तो हम देखेंगे कोलिन रिएजेंट क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि ये कोलिन है या नहीं। तो कोलिन्स क्या करता है, ये काम तो करता है 1 डिग्री को एल्डिहाइड में चेंज कर देता है, लेकिन एसिड में चेंज नहीं कर सकता, यानी कि ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है कि केवल 1 डिग्री अल्कोहल को सीधे एसिड में चेंज कर दे। ये किस में कर सकता है, केवल एल्डिहाइड तक कर सकता है, और उसके आगे कोई ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। अगर आगे हमें ऑक्सीडेशन करानी है तो कोई और प्रोसेस लगानी पड़ेगी। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करेगा, सारे ही रिएजेंट 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो किस में चेंज करेंगे, एल्डिहाइड में ही करेंगे, कोई ऑप्शन है ही नहीं वहां पर, सॉरी कीटोन में ही चेंज करेंगे, वहां पर और कोई ऑप्शन है ही नहीं कि एल्डिहाइड में चेंज हो या कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो। एक है हमारे पास पीसीसी,
पीसीसी भी क्या करता है, केवल 1 डिग्री को एल्डिहाइड में चेंज करता है, एसिड में चेंज नहीं करता, और 2 डिग्री को तो कर ही देगा एल्डिहाइड में चेंज। ठीक है, तीसरा देखते हैं हम जोन्स रिएजेंट। एक होता है जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट क्या करता है, ये नहीं करता, यानी कि जोन्स रिएजेंट जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है कि वो 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज नहीं करता, डायरेक्ट चेंज कर देता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अगर हमसे पूछे कोई एक ऐसा रिएजेंट बताओ जो अल्कोहल को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज कर दे, तो कौन है वो, जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट का अगर हम यूज करेंगे तो वो क्या करेगा कि जो हमारे एल्डिहाइड है उनको सीधे किसमें, सॉरी अल्कोहल है 1 डिग्री अल्कोहल, उनको सीधा चेंज करेगा किसमें, एसिड में। और अगर 2 डिग्री होंगे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है एसिड का, किसमें चेंज होगा, एल्डिहाइड में चेंज होगा। तो जोन्स रिएजेंट क्या करता है, 1 डिग्री अल्कोहल को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करता है, और जो हमारे क्या कहते हैं कौन से 2 डिग्री अल्कोहल है उनको एल्डिहाइड में चेंज करता है। एक रिएजेंट है जिसका नाम है पीडीसी, पिरिडिनियम डाइक्रोमेट। ये दो तरीके की रिएक्शन करता है, दो तरीके की रिएक्शन करता है। एक तो ये जब सॉल्वेंट क्या लें, ये सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। अगर हमने सॉल्वेंट लिया है CH2Cl2 डाइक्लोरोमिथिलीन, ये सॉल्वेंट लिया है तो ये क्या करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल को चेंज करेगा किसमें, एल्डिहाइड में, अगर सॉल्वेंट दिया हुआ है CH2Cl2। अगर हमने सॉल्वेंट क्या लिया है, सॉल्वेंट लिया हुआ है DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, DMF सॉल्वेंट लिया है तो ये क्या करेगा, ये जो एक सॉल्वेंट है ये कैसा सॉल्वेंट होता है, ये पोलर मोइस्ट सॉल्वेंट होता है। कैसा सॉल्वेंट है, पोलर मोइस्ट सॉल्वेंट है, यानी कि पोलर है और मोइस्ट सॉल्वेंट यानी आद्रता ग्राही सॉल्वेंट है। तो इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, अगर पीडीसी की रिएक्शन हम इस सॉल्वेंट के अंदर करा रहे हैं तो ये 1 डिग्री अल्कोहल को किसमें चेंज करेगा, एल्डिहाइड में, और 2 डिग्री वालों को तो एल्डिहाइड, सॉरी मैंने एल्डिहाइड लिख दिया है यहाँ पर, किसमें चेंज होंगे, कीटोन। तो 2 डिग्री अल्कोहल तो सीधे चेंज होंगे किसमें, कीटोन में, और कोई ऑप्शन नहीं है, कीटोन के आगे और उनका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारे कुछ रिएजेंट हैं। इसके अलावा हमारे पास है पांचवा रिएजेंट है क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड। वैसे जोन्स रिएजेंट से भी हम क्रोमिक एसिड बना सकते हैं। ठीक है, तो क्रोमिक एसिड क्या करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करेगा, 2 डिग्री को करेगा, इसको चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर हम फर्दर ऑक्सीडेशन कराएं, क्योंकि हम जोन्स रिएजेंट से भी क्रोमिक एसिड बना सकते हैं, तो इसमें चेंज हो जाएगा, एसिड में चेंज हो जाएगा। अब 3 डिग्री की बात करें तो 3 डिग्री तो हमने बताया है कि नॉर्मल कंडीशन में उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता। अगर ऑक्सीडेशन होगा भी तो पीडीसी को लेकर हम उसका ऑक्सीकरण करा सकते हैं CH2Cl2 सॉल्वेंट में, लेकिन वहां पर क्या होगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव रीअरेंजमेंट। सो वो और आपके चैप्टर में है नहीं तो उसको पढ़ाने से कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर आप कहेंगे तो हम पढ़ा देंगे, देखेंगे कैसे होता है वो रिएजेंट, वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कैसे अल्कोहल चेंज होते हैं। ये जितने भी हमने रिएजेंट देखे 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे के सारे रिएजेंट जो हैं क्रोमियम बेस्ड हैं, क्रोमियम बेस्ड, यानी कि इसमें जो मेटल यूज हुआ है वो कौन सा है, क्रोमियम। ये सारे के सारे रिएजेंट क्रोमियम से बने हुए हैं, इनमें हर रिएजेंट के अंदर क्रोमियम बना हुआ है, कहीं पर एसिडिक कंडीशन यूज हुई है। लेकिन होता क्या है, अगर हमको अल्कोहल को ऑक्सीकरण करना है तो ये जो क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट है ये जितने भी, इनके साथ अगर हमें अल्कोहल को ऑक्सीकरण करना है तो बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं होता, संतोषजनक नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे बहुत से, अभी तो आप बीएससी में हो, आप एमएससी में जाओगे तो आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो एसिड सेंसिटिव होते हैं, यानी कि जो जिन एसिड अगर आएगा तो अपघटित हो जाते हैं, तो आगे रिएक्शन होगा ही नहीं, एसिड सेंसिटिव है। और हम यहाँ पर देखें तो ये जितने भी रिएजेंट है इसमें किसी ना किसी फॉर्म में एसिड का यूज होगा, अम्ल का यूज होगा, तो अम्ल का यूज हो रहा है इन सब में, तो ये क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं है, इनको हम आगे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन में बहुत ज्यादा यूज नहीं करते। हालांकि अभी आप पढ़ते हो, लेकिन एमएससी में जाओगे तब आप देखोगे कि इनसे अल्कोहल का ऑक्सीकरण करा तो सकते हैं लेकिन सेटिस्फैक्टरी नहीं है, वहां पर सेटिस्फैक्टरी नहीं है जहां पर कोई ऐसा ग्रुप मौजूद है जो एसिड से सेंसिटिव है, यानी कि जो एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट कर सकता है।
तो वहां हम इनका यूज कर ही नहीं सकते। दूसरा, इनको बहुत ज्यादा मात्रा में लेना पड़ता है, अगर हमें रिएक्शन कराना है तो इनके साथ कमी क्या है, इनको बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करना पड़ता है। हम तो ऐसा रिएजेंट चाहते हैं जो कम खर्च हो, है ना, और प्रोडक्ट हमें ज्यादा मिले, तो इनका हम यूज बहुत कम करते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में ये सब कुछ है नहीं कि इनका यूज करते हैं नहीं करते हैं, ये अब आगे की क्लासेस की बात है एमएससी की, जो आपको अभी से पता चल रही है, आगे अगर एमएससी करो तो आपको याद रहेगी। देखते हैं कैसे होता है इनका ऑक्सीकरण। सबसे पहले हम क्रोमिक एसिड से कराते हैं, क्रोमिक एसिड के साथ ऑक्सीकरण कराते हैं। पहला रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? क्रोमिक एसिड के साथ। क्रोमिक एसिड क्या है? H2CrO4। H2CrO4 क्या है? ये हमारा क्रोमिक एसिड क्या है? H2CrO4, इसको बोलते हैं क्रोमिक एसिड। अब ये कैसे रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ वो देखते हैं हम, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, OH डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था निकालें तो कितनी होगी? -2, -2, -1, -1, तो कितनी हो गई टोटल? प्लस। क्रोमियम कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है इसके अंतर्गत? +6 ऑक्सीकरण अवस्था में। पूछ लेते हैं कभी कभी क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, तो +6। ये क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट है जिनमें क्रोमियम +6 ऑक्सीकरण अवस्था में मौजूद है। कोई अल्कोहल ले लिया, मान लो ये हमारा अल्कोहल है, ये लिया हमने 2 डिग्री अल्कोहल लिया, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर OH है और यहाँ पर H है, तो क्या बाहर निकलेगा? H2O बाहर निकलेगा। लेकिन H2O बाहर कैसे निकलेगा वो देख लेते हैं। ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। क्रोमियम कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में? +6। +6 में है तो ये किसका काम करेगा? लुईस एसिड यानी इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा या लेगा? +6 में है, बहुत हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसको तो खुद इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, तो क्या करेगा? ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। तो ये इस पर अटैक करेगा, जैसे इस पर अटैक करेगा ये बॉन्ड ऊपर आएगा, ठीक है, ऑक्सीजन पर आएगा, फिर वापस नीचे जाएगा, और यहां से कौन बाहर निकल जाएगा? OH बाहर निकल जाएगा, और जैसे ये OH माइनस यहां से बाहर निकलेगा, ये क्या ले लेगा? इसका H प्लस ले लेगा, तो ये बाहर हो जाएगा, तो क्या बाहर हो जाएगा? H2O बाहर निकल जाएगा, और हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा R O CR OH, OH, और यहाँ पर क्या है? OH प्लस H2O जो है वो हमारा क्या हो गया? बाहर निकल गया। ये जो बना इसको बोलते हैं हम क्रोमेट एस्टर। इसको क्या बोलते हैं हम? क्रोमेट एस्टर। अब यहां से क्या होगा? यहाँ पर एक हाइड्रोजन मौजूद है, अल्फा पोजीशन पर क्या है? हाइड्रोजन मौजूद है, अल्फा हाइड्रोजन है, मैंने वही तो बताया था, जहां पर अल्फा हाइड्रोजन होगा वहां ऑक्सीकरण होगा, जहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वहां ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या मौजूद है? अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। क्या करेगा? इस अल्फा हाइड्रोजन को ले लेगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, और ये जो बॉन्ड है ये क्रोमियम पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ आ गया, ये बॉन्ड यहाँ आया और ये क्रोमियम पर शिफ्ट हो गया, तो बनेगा क्या? ये बनेगा हमारे पास R R डबल बॉन्ड O प्लस क्या बना? H2CrO3 ये बना, ठीक है। ये क्या है हमारा? कीटोन। हमने अल्कोहल कौन सा लिया था? 2 डिग्री, तो 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनता है? कीटोन बनता है, और 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो उससे क्या बनेगा? एल्डिहाइड। तो जो भी क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट होते हैं वहां पर सबसे पहले ये बनता है क्रोमेट एस्टर। तो जितने भी होंगे PCC, PDC और क्या कहते हैं जोन्स रिएजेंट, कोलिन्स रिएजेंट, उनसे ये जरूर बनेगा। क्या बनेगा? मैकेनिज्म सबका सेम रहेगा, ये जो मैकेनिज्म बताया ये सेम रहेगा, क्योंकि सब में एक स्पीसीज है जो कि क्या है? क्रोमियम। तो क्रोमियम मौजूद है सभी के अंतर्गत, CrO3 मौजूद है, तो क्रोमेट एस्टर जरूर बनेगा, तो सब में क्रोमेट एस्टर बनेगा। फिर क्या होगा? इस तरीके से प्रोटॉन ले लेगा और उसको ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज हो जाएगा। 3 डिग्री में तो रिएक्शन होता ही नहीं है, तो ये कॉमन मैकेनिज्म है। इस तरीके से अल्कोहल से क्या मिला हमें? कीटोन। चलो 1 डिग्री ले लेते हैं, ये ले लेते हैं CH
CH2OH, ठीक है, इसका रिएक्शन कराते हैं CR डबल बॉन्ड OH OH। तो जैसा कि यहाँ पर लोन पेयर है, ये अटैक करेंगे क्रोमियम पर, ये ऊपर गया, नीचे आया, OH- बाहर निकल गया और यहाँ से H+ को ले जाएगा, ये अपने साथ OH- निकलेगा, यहाँ से H+ ले जाएगा। तो आगे क्या होगा, आगे बनेगा हमारे पास R CH2, यहाँ से दिखा दूं H H, ये O, ये क्रोमियम से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड O OH, ये क्या है हमारा माइनस H2 यहाँ पर हो गया, ये क्रोमेट एस्टर है, ठीक है। क्या होगा ऑक्सीजन के लोन पेयर, इस प्रोटॉन को लेंगे, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड कहां शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और ये बाहर निकल जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा R C डबल बॉन्ड O और H, एक हाइड्रोजन ही तो गया, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, ये क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया, ठीक है, एल्डिहाइड बन गया। तो इस तरह से एल्कोहल का किसमें ऑक्सीकरण हुआ, एल्डिहाइड में। कुछ रिएजेंट हैं जो इसको क्या कर देते हैं, एसिड में ऑक्सीडाइज कर देते हैं, उनके नाम मैंने लिखा दिए, कौन कौन से थे, एक तो था जोन्स रिएजेंट और एक पीडीसी, जब सॉल्वेंट क्या हो, डीएमएफ हो, ठीक है। अगर ऐसा मौजूद है, पीडीसी दे रखा है और नीचे डीएमएफ दे रखा है, तो आप डायरेक्ट उसको किसमें चेंज करेंगे, वन डिग्री एल्कोहल है तो सीधे एसिड में चेंज करेंगे, जो टेबल बनाई है उसके बाद आपको ज्यादा रिएक्शन की जरूरत पड़ती नहीं है, वो टेबल काफी है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, नोट कर लीजिए फिर मैं मिटा देती हूँ। तो मैकेनिज्म जितने भी क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट लिखाए थे मैंने अभी, उन सब का मैकेनिज्म सेम रहेगा, यही रहेगा, सब में क्रोमेट एस्टर बनेगा और क्रोमेट एस्टर फिर क्या करेगा, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। अब ये देख लें हम पहचाने की कैसे, कोलिन्स रिएजेंट क्या होता है, कोलिन्स रिएजेंट ये होता है CrO3PY, पिरिडीन और CrO3 का मिक्सचर, यानी कि यहाँ पर भी क्रोमियम मौजूद है, CR ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि क्रोमेट एस्टर यहाँ भी बनेगा, जो हमने वहां बनाया था, कैसे बनेगा, जैसे ये है CR डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये मौजूद है ना, एल्कोहल है, ये ले लिया 2 डिग्री एल्कोहल, तो क्या होगा, ऑक्सीजन के लोन पर अटैक करेंगे, ये जाएगा, ये H+ को ले लेगा, अब यहाँ पर H2 तो बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन ये O- बनेगा, ये H+ को ले लेगा, तो क्या बना लेगा, R R O C R डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O H, फिर से क्या बन गया, क्रोमेट एस्टर, फिर यहां से प्रोटॉन जाएगा, ये प्रोटॉन को ले लेंगे नॉन पेयर और हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा, यानी कि सबका मैकेनिज्म सेम है, सबके अंतर्गत क्या बनेगा, क्रोमेट एस्टर बनेगा, सब इसी तरीके से रिएक्ट करेंगे, तो हर किसी का मैकेनिज्म देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबका सेम ही मैकेनिज्म, बार बार लेके क्या करेंगे, एक बार हमने लिख तो लिया, ठीक है। अब हम रिएजेंट देख लेते हैं, हम कैसे पहचानेंगे, कोलिन्स क्या होता है, जोन्स क्या होता है, हम कैसे देखकर पहचानेंगे, तो वो लिखा देती हूँ मैं तुम्हें। तो CrO3 PY, यहाँ ये ऐसे हुए, ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, CrO3 PY, यानी कि यहां पर क्या है, पिरिडीन, PY का मतलब क्या होता है, PY का मतलब होता है पिरिडीन, इस तरीके से भी लिखा हुआ मिलेगा, ये क्या है हमारा, कोलिन्स रिएजेंट है। एक होता है हमारे पास जोन्स रिएजेंट, जो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा सीधे किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये जोन्स रिएजेंट क्या होता है, ये भी होता है CrO3 प्लस, इसके साथ कंसेंट्रेट क्या लिया जाता है, H2SO4 लिया जाता है, सॉल्वेंट लिया जाता है इसके साथ, एसीटोन, सॉल्वेंट क्या लिया जाता है इसके साथ, एसीटोन लिया जाता है, ठीक है, इसके साथ यूज होता है एसीटोन कंसेंट्रेट H2SO4 और CrO3, यहां पर भी CrO3 है, इसका मतलब मैकेनिज्म सेम रहेगा। एक होता है हमारा PCC, इसका नाम है PCC का, पिरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट, ये क्या होता है, ये होता है CrO3Cl और पिरिडीन को किससे प्रदर्शित करते हैं, PY H+, यानी कि ये पिरिडीन है, नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर, तो ये क्या ले लेगा, H+,
जैसे ही H प्लस ले लेगा तो एक दो तीन और चार बॉन्ड बन जाएंगे, तो इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो पिरिडीन था, अब लास्ट में क्या लग गया EM यानी कि पिरिडीन जिसमें पॉजिटिवली चार्ज है यानी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है पॉजिटिवली चार्ज, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। तो ये क्या है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC, एक होता है PDC, ये होता है इसकी फुल फॉर्म है पिरिडीनियम, यहाँ पर भी पिरिडीनियम आ रहा है यानी कि इस तरीके की स्पीसीज होगी। और क्या होती है पिरिडीनियम डाई क्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, ये होता है पिरिडीनियम रहेंगे H प्लस दो मॉलिक्यूल रहेंगे क्योंकि Cr2O7 2 माइनस होता है, तो दो माइनस को चार्ज को बैलेंस करने के लिए दो क्या होने चाहिए पॉजिटिव चार्ज, इसलिए हमने दो मॉलिक्यूल लिए, ये है PDC, ठीक है। तो ये हमारे रिएजेंट रहे क्रोमिक एसिड के साथ हम करा चुके हैं, कोलिन्स जोन्स PCC PDC सबके अंतर, इन सबके साथ कैसे रिएक्शन होगा बिल्कुल सेम तरीके से रिएक्शन होगा। अगर PDC में सॉल्वेंट लिया है CH2Cl2 तो क्या बनेगा 1 डिग्री एल्कोहल से सीधे एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन अगर सॉल्वेंट क्या लिया है DMF जो कि पोलर सॉल्वेंट होता है मॉइस्ट सॉल्वेंट, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल को किसमें चेंज कर देगा एसिड में चेंज कर देगा यानी कि फर्दर ऑक्सीडेशन कर देगा एल्डिहाइड का। अगर आप देखना चाहें कैसे बनेगा तो हम देख सकते हैं, ये है हमारे पास RCH2OH, मैं इसको ऐसे लिख दूं CH, इसको इधर लिख दूं, ठीक है। हमारे पास क्या दिया गया है PDC दिया गया है, रिएक्शन सबसे पहले वही बनेगा क्रोमेट एस्टर, तो हम बार बार बनाकर क्या दिखाएंगे क्रोमेट एस्टर बनेगा, वहां से क्या होगा ये किसमें चेंज हो जाएगा, पहले ये चेंज होगा एल्डिहाइड में, जैसे पहले रिएक्शन हुई थी क्रोमेट एस्टर बनाया था हम लोगों ने बिल्कुल वैसे ही क्रोमेट एस्टर बनेगा, किसमें चेंज हो जाएगा एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, लेकिन हमने क्या लिया है DMF, और DMF कैसा सॉल्वेंट है पोलर मोइस्ट सॉल्वेंट यानी कि उसमें मोइस्ट नमी होती है, नमी होगी इसका मतलब उसमें क्या होगा H2O, और H2O होगा तो क्या करेगा जैसे ही H2O होगा तो ऑक्सीजन के लोन पे यहाँ अटैक करेंगे, ये क्या बना लेगा ये बना लेगा RCO-OH2+ और ये HO- यहाँ से एक H+ ले लेगा, क्या बना लेगा RCOH OH और H। अब यहाँ पर क्या मौजूद है फिर से OH और H मौजूद है, ये दोबारा क्रोमेट एस्टर बनाएगा, जैसे पहले स्टेप में मैंने क्रोमेट एस्टर बनाया था अब ये दोबारा क्रोमेट एस्टर बनाएगा, और क्रोमेट एस्टर क्या कर देगा इसका रिडक्शन कर देगा, और ये किसमें चेंज हो जाएगा ये चेंज हो जाएगा RC OH, ये जो पार्ट है ये किसमें चेंज हो जाएगा डबल बॉन्ड ओ में, और एक OH तो बचा ही हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से हम देखते हैं सॉल्वेंट अगर DMF लिया हुआ है तो एसिड में इस तरीके से कन्वर्जन होगा, और अगर DMF नहीं है CH2Cl2 है तो रिएक्शन यहीं पर आकर रुक जाएगी, इसके आगे बढ़ेगी नहीं क्योंकि H2O है नहीं अटैक करने के लिए, H2O ने अटैक किया तो डाइहाइड्रोक्सिल ग्रुप आया, फिर क्या होगा ये वापस क्रोमेट एस्टर बनाएगा, और क्रोमेट एस्टर जैसे बनता है फिर H+ ले लेगा तो किसमें चेंज कर देगा एल्डिहाइड C OH कार्बोनिल ग्रुप में, तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन होता है। एक तरीका तो ये है अल्कोहलों के ऑक्सीकरण का, दूसरा क्या है और भी तो रिएक्शन है, ये तो क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट थे, दूसरी रिएक्शन है कॉपर के साथ गर्म करके, यानी कि जब एल्कोहलों को कॉपर के साथ हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो इनमें क्या होता है जो एल्कोहल रहेंगे उनसे H2 गैस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, यानी कि भी हाइड्रोजनीकरण हो रहा है, हाइड्रोजन बाहर निकल रही है डिहाइड्रोजिनेशन, तो यहाँ पर क्या होती है रिएक्शन क्या होती है यहाँ पर रिएक्शन होगी वी हाइड्रोजनीकरण, जिसको बोलते हैं हम डिहाइड्रोजिनेशन। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे यहाँ तो पानी निकलना चाहिए हाइड्रोजिनेशन, तो पानी वो हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन यानी वाटर, और ये है हाइड्रोजिनेशन यानी हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजिनेशन वो निर्जलीकरण है ये भी हाइड्रोजनीकरण है। तो यहाँ पर क्या होता है देखते हैं, ठीक है देखते हैं, जैसे हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल है ये ले लिया हमने CH3CH2OH, इसको ऐसे लिख दूं CH और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H, इसको ऐसे लिख दूं, इसको मैंने गर्म किया कॉपर के साथ हाई टेम्परेचर 573 केल्विन पर गर्म किया, तो क्या होगा यहां से H2 गैस क्या होगी बाहर निकल जाएगी और हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा CH3 C OH,
क्या मिल गया? एल्डिहाइड। कैसा अल्कोहल था ये? 1 डिग्री एल्कोहल था, इथेनॉल, इथाइल एल्कोहल। और देखें 2 डिग्री से रिएक्शन कराएं तो ये लिया हमने CH, मान लो ये CH3, CH3 2 डिग्री एल्कोहल लिया है, ये H, ये ऑक्सीजन, ये H। जब मैं इसको गर्म करूंगी कॉपर के साथ 573 केल्विन पर, क्या बाहर निकली? H2 गैस बाहर निकली, डिहाइड्रोजनीकरण हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी H2 गैस क्या होगी? बाहर निकल जाएगी। तो क्या बनेगा ये? ये बनेगा CH3 CCH3 CH3 प्लस H2। यहाँ क्या बना? कीटोन। यहाँ पर क्या बना? एल्डिहाइड। 3 डिग्री की रिएक्शन करके देखो 3 डिग्री की होगी कि नहीं, हो तो जाएगी। जब मैं इसको कॉपर के साथ हीट करूंगी तो वो तो जाएगी रिएक्शन। तो फिर यहां से क्या बनेगा? 3 डिग्री से एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा। क्या बनना चाहिए? ना तो एल्डिहाइड बनता है ना ही कीटोन, या तो एक अलग ही रिएक्शन हो जाती है। क्या बनता है यहाँ पर? एल्कीन बनती है। क्या बनती है? एल्कीन बनती है। और यहाँ पर भी हाइड्रोजनीकरण की जगह क्या हो जाता है? निर्जलीकरण हो जाता है। यानी यहां से क्या बाहर निकल जाता है? H2O बाहर निकल जाता है। यानी ये बनेगा CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। यहां पर क्या हुआ? H2O बाहर निकला। H2O मतलब निर्जलीकरण हुआ, यहां पर हाइड्रोजनीकरण नहीं हुआ, हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकली। कौन बाहर निकला है? H2O। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है? निर्जलीकरण हुआ है। ठीक है, कैसे हुआ है? यहां से क्या होगा? मान लो ये एक H है, ठीक है H2। तो क्या हुआ? ये तीनों तो बाहर निकल गए, यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। मैकेनिज्म पहले भी देख चुके हैं हाइड्रोजनीकरण का कैसे होता है, ठीक है, मतलब H2O सॉरी निर्जलीकरण का मैकेनिज्म कैसे होता है हम पहले देख चुके हैं, तो बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे। बस इतना याद रखना है, अगर एल्कोहल क्या हो? 3 डिग्री एल्कोहल हो तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनता है? एल्कीन बनती है। ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल होगा उसको हीट करेंगे कॉपर के साथ तो एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री एल्कोहल होगा उसको हीट करेंगे कॉपर के साथ तो कीटोन बनेगा, 3 डिग्री एल्कोहल होगा उसको हीट करेंगे कॉपर के साथ तो क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक ऑक्सीकरण तो यहां पर भी हुआ, एल्डिहाइड में हुआ, कीटोन में हुआ, एल्कीन में हुआ। और देख लेते हैं, जैसा कि मैंने बोला 3 डिग्री एल्कोहल का नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीकरण नहीं होता है, लेकिन अगर हम पीडीसी के साथ CH2Cl2 की उपस्थिति में कराएं तो वो क्या बना लेता है? तो वो ऑक्सीडेटिव रीअरेंजमेंट हो जाता है। हालांकि तुम्हारे कोर्स में नहीं है, जब MSc में आ जाओगे तब पढ़ोगे तुम ये, जब MSc में आ जाओगे थोड़ा और लेवल बढ़ेगा तब पढ़ोगे तुम, हालांकि पता होना चाहिए तुमको। ठीक है, क्या होता है? ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होता है वहां पर, या ऑक्सीडेटिव रीअरेंजमेंट होता है वहां पर। ठीक है, और क्या रिएक्शन करा सकते हैं हम इसकी? हेलो फॉर्म अभिक्रिया करा सकते हैं। हेलो फॉर्म अभिक्रिया जानते होंगे, हेलो फॉर्म अभिक्रिया कौन देते हैं? जिनमें क्या होता है? जिनमें CH3CH2OH ये जो ग्रुप होता है, जिन अल्कोहलों में CH3CH2OH ये ग्रुप होता है, वे क्या देते हैं? वे क्षार की उपस्थिति में हेलोजन से अभिक्रिया करने पर क्या बनाते हैं? हेलो फॉर्म बनाते हैं। क्या करते हैं? जिनमें ये समूह होता है वे क्षार की उपस्थिति में हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? हेलोफॉर्म बनाते हैं। जैसे अगर हमने हेलोजन में आयोडीन लिया है तो आयोडोफॉर्म बनेगा, ब्रोमीन लिया है तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा, क्लोरीन लिया है तो क्लोरोफॉर्म बनेगा। तो ये ओवरऑल रिएक्शन हम दिखाएं कैसे होती है। जैसे हमने ये लिया CH3CH2OH, ये लिया है हमने, क्या लिया है? CH3, या तो ये ना लेकर हम ये ले लें CH3CH
CH3 और यहाँ पर लगा हुआ है OH, ठीक है, ये लिया हुआ है। इसकी रिएक्शन में चलो Cl2 के साथ करा रही हूँ, इसके साथ करा रही हूँ Cl2, तो क्या होगा, यहाँ से पहले HCl बाहर निकल जाएगा, दो HCl के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, Cl2 यहाँ पर मौजूद है, तो ओवरऑल हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा CH3 डबल बॉन्ड O और CH3, क्या बनेगा हमारे पास CH3 डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन बनेगा। इसकी दोबारा से हम रिएक्शन कराएंगे हैलोजन के साथ, क्या करेंगे, दोबारा रिएक्शन कराएंगे हैलोजन के साथ, ठीक है। अब कितने Cl लिए, 3, तो 3 HCl बाहर निकलेंगे, यानी कि ये जो तीनों हाइड्रोजन है ये प्रतिस्थापित हो जाएंगे किससे, तीनों क्लोरीन से, तो क्या बनेगा CH3 डबल बॉन्ड O CCl3, ये बनेगा, क्या बना CH3 डबल बॉन्ड O CCl3, तीनों जो हाइड्रोजन थे वो किससे प्रतिस्थापित हो गए, हैलोजन से प्रतिस्थापित हो गए। अब इसकी अभिक्रिया किससे होगी, अब इसकी अभिक्रिया क्षारीय कंडीशन बोला था, क्षार की उपस्थिति में, तो NaOH होगी, तो NaOH होगी, तो ये क्या कि टूट जाएगा CHCl3 में, ये क्या बना, ये बना क्लोरोफॉर्म, अगर आयोडीन लेते तो क्या बनता, आयोडोफॉर्म, ब्रोमीन लेते तो क्या बनता, ब्रोमोफॉर्म, प्लस क्या बना, प्लस बना CH3COONA बना, तो इस तरह से इसकी रिएक्शन हुई, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि वो कौन कौन से टेस्ट हैं जो अल्कोहल के किए जाते हैं, जिनसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि हमारा 1 डिग्री के अल्कोहल कौन सा है, 2 डिग्री अल्कोहल कौन सा है, 3 डिग्री अल्कोहल कौन सा है, ठीक है। फिर हमें आपको फिर हम उसके बाद डाइहाइड्रिक अल्कोहल शुरू करेंगे, मोनोहाइड्रिक खत्म हो जाएंगे, डाइहाइड्रिक शुरू हो जाएंगे।